जय श्री महाकाल। दोस्तों, मंत्र सिद्धि से अनामिका आपका स्वागत करती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र का जाप करने से शरीर निरोग बनता है। इंसान का धन, यश, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। ये सब बातें भारत के लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या विज्ञान भी इन सभी बातों को मानता है? यदि हम कहें कि अब साइंस भी हमारी तरह ही गायत्री मंत्र की शक्ति को पहचान रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स के एक डॉक्टर और IIT के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर दिन कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर आपकी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि गायत्री मंत्र को पढ़कर आप अपनी दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। इस मंत्र की रचना त्रेता युग में विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमें प्रकाश दिखाएं, सच्चाई की तरफ ले जाएं। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच यह मान्यता है कि स्टूडेंट्स को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पे एम्स की रिसर्च भी यही कह रही है। एम्स 1998 से गायत्री पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया और 9 महीने तक यह रिसर्च की गई। इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना, जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में 3 महीने तक रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप किया गया और दूसरे ग्रुप ने पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे, उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल तेजी से बढ़ रहे थे। इसी तरह का एक केमिकल होता है गावा। इस केमिकल के कम होने पर हमको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से गावा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा। 5 हफ्ते तक किए गए MRI की मदद से यह नतीजा निकाला गया कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था, उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपनी रिसर्च में एम्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। एम्स की यह शोध अभी भी जारी है और इस पर विस्तृत जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब